आज हम शुरू करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट टू। पिछले क्लास पे हमने पार्ट वन कराया था जिसमें हमारे जो क्वेश्चन थे 1 नंबर से लेकर 7 नंबर तक हो चुके थे। आज उसके आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। चलिए देखते हैं 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, किसी मूलधन पर 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज कितने समय में मूलधन का 0.125 गुना हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल में हमको पूछा गया है कितने समय में, यानी हमको समय फाइंड करना है। और लिखा हुआ है जो ब्याज है मूलधन का 0.125 गुना हो जाता है। इसका मतलब जो SI है हमारा वो मूलधन का, यानी मूलधन हमने मान लिया P है और इसका 0.125 गुना हो जाता है। देखिए सवाल में जिस तरीके से बोला है वैसे ही हमें लिखना है, कुछ भी अपनी तरफ से एक्स्ट्रा नहीं सोचना है। सवाल में बोला है जो ब्याज है मूलधन का 0.125 गुना हो जाता है, तो हमने SI लिखा, SI बराबर मूलधन का 0.125 गुना कर दिया। अब इसको देखिए P को इधर ले आएंगे तो हमारा हो जाएगा SI अपान P। ठीक है, SI अपान P का जो रेशियो आएगा इसको सॉल्व कर लीजिए, 125 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो 3 जीरो बढ़ा लेंगे। अब सॉल्व कर लीजिए, 25 × 125, 25 × 100, यानी ये हमारा आ गया 1/8। तो कुल मिला के जो हमारा 1/8 आया है ये हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, और ये हमारा क्या होगा, SI होगा। यहाँ तक सभी लोग समझ गए होंगे, सवाल में जिस तरीके से बोला है वैसे ही किया है। SI हमको पता चल गया, P पता चल गया, क्वेश्चन में बोला है कितने समय में, जबकि R हमको दिया ही है 10%। एक फार्मूला बताया था कल, SI इक्वल टू क्या होता है, PRT अपन 100 होता है, इसमें रख लीजिए सीधे आंसर हमारा आ जाएगा। SI हमारा 1 है और P हमारा कितना है, 8 है, और R हमारा दिया ही है 10। T हमको निकालना है, टाइम बटे क्या लिखेंगे 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 10 × 10 = 10, 10 × 100 होता है और ये इधर जाएगा, और इसको काट लो, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, ये 5 इस तरफ चला जाएगा और 4 नीचे आएगा, तो 5/4 बराबर क्या आ गया, टाइम, मानी 5/4 वर्ष। 5/4 नहीं, फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन में। तो इसको और सॉल्व कर लीजिए, 4 का भाग 5 में देंगे तो 4 × 1 = 4, 1 बचेगा, यानी 1 सही 1/4 वर्ष। तो इस प्रश्न का जो आंसर हमारा आएगा कितना आ गया, 1 सही 1/4 वर्ष, ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लगाना था, कोई कठिन नहीं था, हम डायरेक्ट लिख सकते थे 0.125 गुना हो जाता है। तो इसको हम सीधे समझ रहे थे कि ये हमारा प्रिंसिपल और SI का रेशियो दिया है, हालांकि हमने लिख के भी दिखा दिया है, SI कह रहा था प्रिंसिपल का 0.125 गुना हो जाता है, तो हमने गुना कर दिया, SI प्रिंसिपल का रेशियो बना लिया, और SI प्रिंसिपल हमको पता चल गया, रेट दिया ही था, तो हमने सीधे निकाल लिया हमारा टाइम कितना होगा। चलिए समझ गए होंगे, और अगर समझ में अगर आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि देखिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी तो एक फर्ज बनता है कि चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप अगर फीडबैक देंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, और अगर देखिए किसी भी सवाल में कोई भी प्रॉब्लम होता है या कोई भी समझ में नहीं आता है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, और अपना फीडबैक जरूर दिया करिए कि वीडियो समझ में आया कि नहीं आया, ऐसा ना हो कि पता चले हम ही पढ़ा रहे हैं और हम ही समझ ले रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 हो गया, 9 नंबर देखते हैं इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो वह धनराशि कितने वर्षों में चौगुनी हो जाएगी। अब देखिए इस टाइप के सवाल आपने देखा होगा एग्जाम्स वगैरह में कि इतने वर्ष में इतने गुना हो जाता है तो बताइए कितने वर्ष में इतना होगा, है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स में कन्फ्यूज भी हो जाते हैं, आज हम सारा कन्फ्यूजन दूर कर देंगे, क्योंकि जैसे सवाल बोलेगा ना हमें वैसे ही करना है, कुछ भी अपनी तरफ से एक्स्ट्रा नहीं सोचना है। देखो लिखा हुआ है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 रुपए के मान लो हमारे पास था, दुगना हो गया है, दुगना हो गया ये, और ये हमारा क्या है 5 वर्ष में बोला है, तो 5 वर्ष लिख लेंगे। मान लेते हैं कोई राशि हमारे पास थी और वो दुगना हो गया, कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। यहाँ तो सभी समझ में आया, एक तरीके से ये हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल होगा 1 रुपया, और ये हमारा क्या होगा, अमाउंट। अब इतने गुना हो जाता है यानी उसमें ब्याज हमारा इंक्लूड हो जाता है, तभी तो कहेंगे वो मिश्रधन होता है। जब भी सवाल में कहे इतने गुना हो जाता है तो वो हमारा उसमें ब्याज भी हमारा इंक्लूड हो जाता है मूलधन में, और वो हमारा मिश्रधन होता है। अब देखिए 1 रुपए से दुगना हो गया, यानी 1 रुपए मूलधन था, दुगना हो गया यानी टोटल अमाउंट कितना हो गया, 2 रुपया। अगर इसमें अब देखिए अगला क्वेश्चन में क्या बोला, लाइन लिखा हुआ था वह धनराशि कितने वर्षों में चौगुनी होगी। अब देखिए कितने वर्षों में, अब हम चाह रहे हैं कि एक वाली चीज जो है 4 गुना हो जाए, ठीक है,
अच्छा ये बताइए, प्रिंसिपल जब 1 रुपया था, अमाउंट 2 रुपया हुआ, तो एसआई यानी इंटरेस्ट कितना आया? ब्याज 1 रुपया आया। एक से चीज 2 रुपये हुआ, ब्याज कैसे निकालते हैं? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है, तो 1 रुपया आ गया। अगर इसमें अगर ब्याज ब्याज निकालने कितना आएगा, 1 से 4 गुना हुआ है, तो ब्याज हमारा 3 रुपया होगा कि नहीं होगा, बताइए। 1 रुपया हमारे पास है, टोटल 4 रुपये हो गया, तो ब्याज हमें कितना रुपया एक्स्ट्रा मिला? 3 रुपया तो मिला, तो 3 हो गया। अब आप ये बताइए, अब इंटरेस्ट देखिए 1 से 3 गुना हुआ है, तो समय भी तो बड़ा होगा उसी हिसाब से। अगर 1 रुपये से 3 गुना हुआ है, अब पहले 5 वर्ष दिया था, ये 3 गुना हुआ है, तो इसका भी 3 गुना कर देंगे, यानी 15 वर्ष बस हो गया। तो प्रश्न में पूछा गया था कि वही धनराशि 4 गुना कितने वर्ष में हो जाएगी? 15 वर्ष में। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा? 15 वर्ष, बस हो गया। इस तरीके से इसको लगाना था। चलिए एक सवाल और देखते हैं इसी टाइप का, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला लिखा हुआ है, कोई धनराशि साधारण ब्याज से 15 वर्ष में अपने से 3 गुना हो जाती है, तो कितने समय में यह अपने से 5 गुना हो जाएगी? बिल्कुल इसी टाइप का सवाल है। अब देखिए लिखा हुआ है, कोई धनराशि साधारण ब्याज से 15 वर्ष में अपने से 3 गुना हो जाती है। अपने से 3 गुना यानी 1 से कितना हो गया? 3, और इसको कितना समय लगा है? 15 वर्ष में, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है, कितने समय में वह अपने से 5 गुना होगा, यानी अब हम चाह रहे हैं 1 से 5 गुना हो जाए। अब आप सीधे ये बताइए, 1 से 3 हुआ है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना रहा होगा? 2 रुपया। अब 1 से 5 हुआ है, तो इसमें इंटरेस्ट कितना रहा होगा? 4 रुपया। अब सीधे देखिए, 2 से 2 गुना हो रहा है ना, जितने गुना होगा उतने गुना हम समय कर देंगे। 2 को 2 गुना 4 होता है, तो 15 को 2 गुना क्या होगा? 30 वर्ष। तो बस इस प्रश्न का आंसर हमारा कितना आएगा? 30 वर्ष, ऐसे करना था, ठीक है। कुछ भी नहीं था, जैसे बोले वैसे ही करते रहिए। चलिए एक सवाल इसी टाइप का और देखते हैं, ताकि और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगला सवाल देखिए, लिखा हुआ है, यदि एक धनराशि साधारण ब्याज पर 15 वर्ष 6 माह में 3 गुना हो जाती है, तो वह कितने समय में दुगुना होगा? अब देखिए इस सवाल में 15 वर्ष और 6 माह, मतलब वर्ष और माह दोनों एक साथ दे दिया है, तो इस सवाल में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। बाकी तो सिंपल आएगा, ईयर वाला तो कर ही लेंगे, महीने वाला भी देख लीजिए साथ में आ गया है, कैसे करते हैं इसको, है वही कॉन्सेप्ट, कुछ भी अलग से नहीं लगाना है। अब देखो लिखा हुआ है, एक धनराशि 15 वर्ष 6 माह में 3 गुना हो जाता है, यानी 1 से कितना हो रहा है? 3 गुना, और इसको समय लग रहा है 15 वर्ष और 6 माह, 15 वर्ष 6 माह में 1 से 3 गुना हो गया। अब आगे लिखा हुआ है, वो कितने समय में दुगुना हो जाएगा, ठीक है ना। अब दुगुना लिखा हुआ है, कितने समय में, अब देखिए कितने समय में दुगुना हो जाएगा, तो हमने कर दिया दुगुना। अब ये देखिए यहां पर इंटरेस्ट कितना है, 1 से 3 गुना हुआ है, तो 2 रुपए का इंटरेस्ट हुआ। अब यहां से देखिए, 1 से 2 रुपए हुआ, यानी ब्याज कम हो गया। अब इंटरेस्ट कितना है? 1 रुपया, इंटरेस्ट मतलब ब्याज। 1 से 3 गुना हुआ, तो हमें ब्याज कितना रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है? 2 रुपया। अब हमारा कम हो गया, 1 से 2 हो गया, यानी अब हमें ब्याज 1 ही रुपया मिल रहा है। तो यहां से देखिए, 2 वाली चीज 1 रुपया यानी आधा हो रहा है। 2 की चीज जो ब्याज है हमारा, अब पहले से हमें आधा मिल रहा है। जब आधा ब्याज मिलेगा, तो समय भी तो हमारा आधा होगा। अब देखिए समय हमारा दिया हुआ था 15 वर्ष 6 माह, तो 15 वर्ष 6 माह को आधा कर दीजिए, आंसर हमारा आ जाएगा। 15 वर्ष को अगर आधा करोगे, तो हमारा आएगा, 15 वर्ष का आधा क्या होता है? 7 वर्ष होता है, 6 महीना, ठीक है ना। ऐसे मत लिखिएगा 15 का आधा 7.5, भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्ष महीने में ऐसे लिखा जाता है। अब ऐसे सोचोगे 15 का आधा यानी 15/2, 2 7 14, 2 5 10 यानी 7.5, वो पॉइंट वाला गलत हो जाता है, वर्ष महीने में ऐसे लिखा जाता है। 15 वर्ष का आधा होगा 7 वर्ष और 6 महीना, 6 महीना यानी आधा साल। और आगे कितना था? 6 महीने, आगे क्या लिखा हुआ था? 15 वर्ष 6 माह है ना, ठीक है, इसका आधा। और 6 माह का आधा करेंगे तो कितना आएगा? 3 माह आएगा, मतलब 3 महीने, ये भी 3 महीने आएगा, ठीक है ना, आधा कर दिया। अब देखिए इसका आधा किया 15 वर्ष का, तो हमारा ये आया, और इसका आधा किया तो ये। अब टोटल इनको जोड़ लीजिए, महीने के साथ महीने जोड़ लेंगे, तो कितना आंसर आएगा? 7 वर्ष है, अच्छा 3 कितना होता है? 9 महीना। तो इस प्रश्न में देखिए कहीं ऑप्शन लिखा हुआ है 7 वर्ष 9 महीना, ऑप्शन नंबर 2 लिखा हुआ है, बस ऐसे करना था। तो जब भी वर्ष और महीने में दिया हो, तो घबराइएगा मत, इस तरीके से लगाइएगा, बिल्कुल सवाल सही से लग जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं इसी के और आगे, और समझ में अगर आ रहा हो तो कमेंट जरूर करते रहिए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है, कितने वर्षों में
एक धन राशि 6/1/4 प्रतिशत प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर दुगनी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए दुगनी हो जाएगी यानी एक वाली चीज जो है दुगनी हो रही है। मान लेते हैं प्रिंसिपल है तो ये अमाउंट रहा होगा, तो एसआई हमारा कितना आएगा, 1 रुपया, ये हमारा क्या आ गया, एसआई आ गया। आगे दिखा हुआ है समय, समय हमको निकालना है कितने वर्षों में, और रेट दिया हुआ है, रेट हमें कितना दिया हुआ है आर, 6/1/4% दिया है। अब आप ही बताइए, मूलधन दिया है, अमाउंट दिया है, एसआई दिया है, रेट दिया है, तो क्या नहीं निकाल पाएंगे समय। फार्मूला लगा दीजिए, एसआई इक्वल टू होता है PRT/100। ठीक है, एसआई हमको पता है 1 रुपया, और प्रिंसिपल मान लेते हैं कितना है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल भी एक ही है, और आर हमको पता है 4×6=24 1/25/4, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25/4%। यहाँ पर लिखेंगे 25/4 और हमको समय निकालना है, और बटे में 100 भी होता है, 25 से कम 25, 25 चौक 100। ठीक है, अब ये 4×4=16 होगा ना, तो इधर आ जाएगा, तो टी हमारा आ गया 16, यानी 16 वर्ष। टाइम पूछा गया था कितने वर्ष में, तो आंसर आएगा 16 वर्ष। देखिए कहीं ऑप्शन लिखा हुआ है, पहला ही ऑप्शन है 16 वर्ष, इस तरीके से करना था। ठीक है, और इस चीज को देखिए थोड़ा सा और डायरेक्ट करना चाहते हैं तो समझ लीजिए कैसे करेंगे। देखो जैसे हम फार्मूला हमने बताया था, एस आई इक्वल टू होता है PRT/100। ठीक है, अब एक चीज याद रखिए हमेशा, जब भी हमें आर निकालना होगा या टी निकालना होगा तो हम सीधे क्या लिखेंगे, एस आई अपान प्रिंसिपल इंटू 100। ठीक है, इंटू आर। अगर मान लीजिए आर पूछा गया है और टाइम दिया है, तो टाइम यहाँ नीचे आएगा। ठीक है, तो कुल मिला के देखिए ये आर आ गया। अगर इसी का अगर हमें टी निकालना है, अगर टी निकालना है तो क्या लिखेंगे, एस आई अपान प्रिंसिपल इंटू 100, और यहाँ पर लिखेंगे टी, अब बटे में आ गया आर। यानी इन दोनों फार्मूलों का डायरेक्ट अगर समझ लीजिए, अगर रेट पूछता है या टाइम पूछता है, तो सीधे देखिए एस आई और प्रिंसिपल का रेशियो बनाइए, और रेट जरूर दिया होगा उसको बटे में करके 100 का मल्टीप्लाई कर दी, सीधे टाइम निकाल लेंगे। अगर रेट निकालना है तो एस आई अपान प्रिंसिपल का रेशियो तो रहेगा ही, और नीचे आएगा टाइम इंटू 100। इस तरीके से डायरेक्ट भी सोच के कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम डायरेक्ट लगा सकते थे। अब देखिए एसआई और प्रिंसिपल का रेशियो तो बनाना ही है, और रेट पूछेगा तो टाइम जरूर दिया होगा, तो टाइम से भी डिवाइड करना है, इंटू 100 लिखेंगे। अब देखो एसआई कितना था, 1 था, प्रिंसिपल कितना था, 1 था, इंटू 100 तो लिखेंगे ही, और बटे में क्या आएगा, रेट, रेट क्या था, 25/4 था ना, 25, और 4 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 25 से कम 25, 25 चुको, आंसर हमारा कितना आ गया, 16 वर्ष। तो सीधे हम ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, अगर ये चीज तुम्हें पता है तब। तो हमेशा याद रखिएगा एसआई और प्रिंसिपल का रेशियो, जब भी रेट निकालते हैं तो एसआई अपान प्रिंसिपल इंटू 100 करते हैं, टाइम अगर दिया उसको भी नीचे ले आइएगा। तो इस तरीके से डायरेक्ट समझ लेंगे तो कर लेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इसके आगे समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, लिखा हुआ है कोई मूल राशि कितने प्रतिशत के साधारण ब्याज पर 15 वर्षों में दुगनी हो जाएगी। अब देखिए 15 वर्षों में दुगनी हो जाएगी, यानी एक वाली चीज दुगना हो रहा है, यानी ये प्रिंसिपल है तो ये अमाउंट है, तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 1 रुपया। अभी हमने बताया था सवाल में पूछा गया है कोई मूल राशि कितने प्रतिशत के साधारण ब्याज पर 15 वर्षों में दुगनी हो जाएगी, यानी हमको रेट निकालना है। अब देखिए रेट निकालना है, रेट निकालना है, टाइम निकालना है, रेशियो हमेशा एसआई अपन प्रिंसिपल होगा, तो एसआई कितना, 1, प्रिंसिपल कितना, 1, इंटू 100 तो लिखेंगे ही, और देखिए अगर समय दिया है तो नीचे आएगा, अगर रेट निकालना होता तो समय नीचे लिखते, और रेट निकालना है, समय दिया हुआ है 15, तो 15 यहाँ नीचे लिख देंगे, और यही हमारा क्या आ गया, रेट सॉल्व कर लीजिए, 5 × 3=15, 5×2=10। अब ये हमारा सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 6/18, 6/2/3%। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा, रेट पूछा गया था 6/2/3%, ऑप्शन नंबर दूसरा। तो सीधे याद रखिए जब भी रेट पूछे या समय पूछे तो एसआई अपान प्रिंसिपल इंटू 100, और देखिए जब रेट और टाइम पूछेगा ना तो कोई ना कोई एक चीज जरूर दिया होगा, रेट पूछेगा तो टाइम दिया होगा, उसको नीचे रख दीजिएगा टाइम का, अगर मान लीजिए टाइम पूछता है तो रेट को नीचे रख देंगे, बस सीधे निकालेगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ गया होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, लिखा हुआ है कोई राशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर बताइए। अब देखिए लिखा स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है,
सात बटा छह गुना हो जाते, इसका मतलब ये प्रिंसिपल हुआ और ये हमारा क्या होगा, अमाउंट होगा, इतने गुना हो जाता है यानी अमाउंट है। अगर हम एस आई निकालें तो कितना आएगा, एस आई सात में छह घटा देंगे एक आ गया, एस आई हमको पता चल गया। और देखिए यहाँ पर समय भी दिया हुआ है, समय हमारा कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 3 वर्ष। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया रेट आर पूछा गया है। अब देखिए अभी सवाल हमने बताया था कैसे निकालने के लिए बताया था, जब आर निकालना हो तो एस आई अपन प्रिंसिपल का रेशियो बनाइए, एस आई कितना है एक, प्रिंसिपल कितना था छः, इंटू 100 तो लिखेंगे ही, अब कोई ना कोई समय जरूर दिया होगा, जो समय दिया होगा उसको नीचे डिवाइड कर देंगे ऐसे। अब साल में कर लीजिए, दो से काट लीजिए, दो से कटेगा इसको, दो तिरका छः और दो पंचे 10 0, यानी आंसर आ गया 50/9%, बस हो गया। इसको थोड़ा सही बटा में अगर लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, 9 × 45 पाँच सही 5/9%। तो सीधा याद रखिए जब भी रेट टाइम पूछेगा तो कोई ना कोई रेट, अगर अगर टाइम पूछ रहा है तो रेट दिया होगा, अगर रेट पूछेगा तो टाइम दिया होगा। और हमेशा याद रखिए एस आई अपन प्रिंसिपल का रेशियो बनाना है, इंटू 100 करना है, और रेट पूछा गया है तो टाइम से डिवाइड कर देंगे, और अगर टाइम पूछता है तो रेट से डिवाइड कर देंगे। तो ठीक है, इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया, 5 सही 5/9%। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इसके और आगे देखते हैं, लिखा हुआ है किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, यदि दिए गए धन पर ब्याज की दर तथा समय समान हो तो ब्याज की दर क्या होगी। अब देखिए इस सवाल में इन्होंने ना दर और समय दोनों क्या बोल दिया, समान है, यही हमारे लिए एक मेन पॉइंट है, दर और जो समय यानी रेट और जो टाइम है ये क्या है हमारा, समान है, जो भी होगा ये दोनों क्या है सेम है। और आगे लिखा हुआ है साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, 4/9 का मतलब ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा एस आई है। एस आई का फार्मूला होता है एस आई इक्वल टू क्या होता है, पी आर टी अपान 100। एस आई हमको पता है 4 है, प्रिंसिपल पता है 9 है, रेट और टाइम दोनों सेम है, तो टाइम की जगह हम क्या लिख सकते हैं रेट, रेट निकालना है तो रेट लिख देंगे 100। अब इसको देखिए, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 400, ये 9 इधर बटे में आएगा, बराबर आ गया आर स्क्वायर, इसका रूट लेंगे तो आर की वैल्यू हमारी आ गई 20/3%। इसको थोड़ा और स्मार्ट तरीके से लिख लीजिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो आर कितना आएगा 3×18 2, यानी 6 सही 2/3%। तो इस प्रश्न का जो आंसर सही होगा 6 सही 2/3%, ऑप्शन नंबर दूसरा, समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं, चलिए अगला सवाल देखते हैं, लिखा हुआ है 400 रुपए की राशि 4 वर्ष में 480 रुपए हो जाती है, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्र धन क्या होगा। अब देखिए इस सवाल को लगाने के दो तरीके हैं, एक तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे 400 रुपए की राशि दिया हुआ है 480 हो जाता है 4 वर्ष में, तो पहले देख लीजिए बेसिक, अभी बताते हैं इसका शॉर्टकट जो बहुत ही कम समय में सवाल हमारा लग जाएगा। पहले बेसिक देख लेते हैं, 400 की राशि लिखा हुआ है यानी प्रिंसिपल दिया हुआ है 400 रुपया, और आगे लिखा हुआ है 4 वर्ष में यानी टाइम दिया हुआ है 4 वर्ष, और 480 रुपया हो जाती है यानी अमाउंट दिया हुआ है मिश्र धन, अमाउंट यानी मिश्र धन होता है 480 रुपया हो जाता है, और कुछ दिया हुआ है, बस इतना दिया हुआ है। चलिए इससे पहले हम निकालते हैं एस आई, एस आई इक्वल टू क्या होता है पी आर टी अपान 100, पहले रेट निकाल लेते हैं कितना होगा। एस आई कैसे निकालेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे, 480 में 400 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 80 आएगा, ठीक है 80, और बराबर प्रिंसिपल पता है ना 400, और रेट हमको निकालना है, टाइम दिया हुआ है 4 वर्ष/100, 100 का भाग देंगे 4 आएगा, 4×16 = 80, यानी आर हमारा आ गया 5%। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बता रहे हैं, इसके बाद इसका शॉर्टकट बताएंगे जो बहुत ही कम समय में सवाल हमारा लग जाएगा। आर हमको पता चल गया, अब क्वेश्चन में बोला है कि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाती, तो चलो बढ़ा देते हैं 2%। अब पहले 5 था, 2% जब बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा नया रेट, नया वाला जो रेट हमारा आएगा 7% आएगा, यानी 7%, आर हमारा आ गया 7%। अब देखिए दूसरे तरीके से कैसे लगाएंगे इसको, अब हमारा देखिए प्रिंसिपल तो दिया ही था, अब 7% से एस आई पहले निकाल लो कितना होगा, एस आई इक्वल टू क्या होता है पी आर टी अपान 100, और प्रिंसिपल तो 400 ही रहेगा, और आर रखेंगे 7, टाइम कितना रहेगा 4 वर्ष, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 4×16 16×7 कितना होता है 112, ठीक है 16×7 112 होता है। अब देखिए पूछा गया है
पहले हमारा ब्याज कितना हो रहा था इसके अकॉर्डिंग, तो 80 रुपए हो रहा था, लेकिन अब हमने अगर रेट 7% कर दिया तो हमारा जो ब्याज आया 112 आया। अब पूछा गया नया में से धन कितना होगा, 400 रुपए मूलधन है और नया अगर ब्याज अगर आया 112 इसी में जोड़ देंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 512। इस तरीके से बिल्कुल मत लगाइए, ये बिल्कुल बेसिक तरीका है, और जिसको कुछ भी नहीं पता है फार्मूले बेस पे लगाएगा तो इस तरीके से वो लगा सकता है। ठीक है, अब इस तरीके शॉर्टकट कैसे लगाएंगे ये समझ गए होंगे, अब इसका ट्रिक बताते हैं। शॉर्टकट देखो, शॉर्टकट कैसे लगाएंगे, क्वेश्चन में लिखा है ना 2% बढ़ जाता है, तो 2% बढ़ने का मतलब ये हुआ कि 2% क्या है, बढ़ जाता है। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं, और देखिए कितना वर्ष है टोटल, टोटल है 4 वर्ष, हमारे पास 4 वर्ष है, और 2% अगर बढ़ाते हैं तो 4 वर्ष में 2% बढ़ेगा तो टोटल कितना बढ़ जाएगा, 8%। ठीक है ना, 8% बढ़ जाएगा। तो अब हम ऐसा करते हैं, 400 में जो मूलधन है हमारा इसी का 8% निकाल लेते हैं, कितना हमारा बढ़ेगा, तो कितना आएगा ये हमारा आ गया 32 रुपये। यानी कुल मिला के जो मूलधन हमारा है उससे उसमें कितना चेंजमेंट आएगा ब्याज पे, 32 रुपये बढ़ेगा, और पहले हमें कितना मिल रहा था, ये 480 मिल रहा था, 480 में से 32 जब जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 8 3 11 यानी 512। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट लगा सकते थे। अब क्वेश्चन में बोला है ना 2% बढ़ा दिया जाता है, यानी 4 साल में कितना बढ़ेगा, 8% आ गया रेट, 400 का 8% निकाल लीजिए यानी 32 रुपये और एक्स्ट्रा आएगा, और इस समय पहले हमारा मिश्र धन कितना हो रहा था, 480, और इसी 480 में से 32 और ऐड कर देंगे तो टोटल हमारा निकल के आ जाएगा नया मिश्र धन 512। तो सीधे इस तरीके से भी लगा सकते थे डायरेक्ट। चलिए आगे देखते हैं, चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है यदि 1 रुपए पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक दर प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, दर पूछा गया रेट, लेकिन इस सवाल में थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि कहीं रुपया कहीं पैसा कहीं माह, है ना, इस तरीके से। तो हमेशा याद रखिए जब भी रुपया पैसा और माह ये तीन चीजें अगर मिलती हैं तो हमेशा जो माह में जो दिया होता है ना टाइम उसको वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, और जो हमारा ब्याज या मूलधन कुछ भी दिया हुआ है पैसे में उसको रुपये में करेंगे, रुपया और वर्ष के साथ कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, अब देखिए इस सवाल को लगाते हैं, SI का फार्मूला तो पढ़े ही है सभी लोग, बार बार पढ़ा रहे हैं, याद हो गया इतनी देर में तो याद ही हो गया होगा ना सभी लोगों को। SI जो कर लो क्या होता है, PRT/100। अब देखिए 1 रुपया लिखा हुआ है यानी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमको पता है कितना है, 1 रुपया है। ठीक, प्रिंसिपल हमारा कितना है, 1 रुपया है। आगे लिखा हुआ है समय, 1 माह लिखा हुआ है तो टाइम निकालेंगे, तो 1 माह मतलब वर्ष में निकालेंगे तो 1/12, 12 से भाग दे देंगे, जब भी माह लिखा हो महीना लिखा हो वर्ष में निकालना हो तो 12 से भाग दे देंगे तो निकल आएगा वर्ष में। और आगे लिखा हुआ है ब्याज 1 पैसा है, ब्याज यानी SI 1 पैसा है, पैसे को रुपए में बदलेंगे, 100 से भाग दे देंगे तो यानी 1/100। अब देखिए हमको पता है और R निकालना है तो इस फार्मूले में रख देंगे सीधे निकाल आएगा, SI हमारा कितना है 1/100 ऐसे लिखेंगे, प्रिंसिपल हमारा कितना था 1, R हमको निकालना था, T दिया हुआ 1/12, और बटे में 100 भी होता है साथ में तो 100 भी लिख देंगे ऐसे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 100 से 100 तो कट ही गया, ये इधर चला गया, तो R हमारा कितना आ गया, 12% बस हो गया, कुछ करना ही नहीं था। तो इस प्रश्न का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, 12%। चलिए आज यहीं तक रखते हैं क्वेश्चंस, इसके आगे और भी जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो पे कराएंगे। अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, सभी लोगों से फिर से एक बार मैं कह रहा हूँ, अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर सब्सक्राइब नहीं जानते, जो लाल वाला बटन है ना उसको दबा देना, बस हो गया सब्सक्राइब। चलिए ठीक है।